फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सबका भला करना ना कभी बुरा करना, सबका भला करना ना कभी बुरा करना। कमजोर लोगों को कभी जो तू सताएगा रब से बच नहीं पाएगा। सबका भला करना, जैसा बोएगा वैसा फल पाएगा, जैसा करेगा आज तू फल पाएगा। जैसा बोएगा वैसा फल पाएगा, जैसा करेगा आज तू कल पाएगा। ईश्वर की अदालत से रिहा तू हो ना पाएगा, रब से बच नहीं पाएगा। सबका भला करना। आरती बेटा, आज से तुम इस घर की इज्जत हो। हाँ बेटा, और आज से हम तुम्हारे जेठ जेठानी नहीं बल्कि अपने माँ बाप ही समझना। आरती, ठीक है तू? हाँ भैया, सब ठीक है। आरती, मैंने तुझे माँ और बाप की कभी याद नहीं आने दी। तू भूल गई क्या मुझको, जो तूने एक बार भी कॉल नहीं किया मेरे पास? भैया आप ऐसा मत बोलो, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं बड़े भाई साहब के लिए खाना बना रही थी। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है, रोटी बनाना भूल गई अपने यारों से बात करने के चक्कर में। मुझे सुनते हो क्या? दीदी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे भैया का कॉल आ गया। बहुत देखिए तेरे जैसे सती सावित्री।
दुनिया में कोई नहीं है, बस एक भाई है जिसको मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, अपना भाई भी, अपनी माँ भी और अपना बाप भी। मेरे भाई को कभी मुझसे जुदा मत करना। सारा दिन मंदिर के सामने हाथ जोड़े बैठ रहती है, माँ मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, कुछ नहीं करने की, ये सब पत्थर की मूरत है। देखो जी, आप मुझे कुछ भी कह लो, मेरी माँ को कुछ मत कहो, वो तो भगवान है, सबकी बिगड़ी बना। अरे तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, चलो। अजी सुनते हो क्या है? आज आप मुझे मेरे भाई के पास ले चलो। मेरा भाई बहुत दुखी है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अरे मुझे नहीं पता, इस बारे में मेरे भैया और भाभी से बात करो, जाओ। मेरा भाई ना बहुत दुखी है, अगर आप कहो तो मैं इनको लेकर अपने घर चली जाऊं। भाई की याद आ रही है या किसी यार की याद आ रही है? माँ का चली जा और हमेशा के लिए चली जा यहाँ से। अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रखा है? हमारा आदमी अपने घर जाना चाहती है। भाई साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बस एक बार मेरे भाई से मिलाने दो। और तो तुझे कुछ काम है नहीं, बस मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा, तेरा खून ही तुझको आग लगाएगा। क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा, तेरा खून ही तुझको आग लगाएगा। जो तूने कमाया है यहाँ सब कुछ रह जाएगा, रब से बच नहीं पाएगा, सबका भला करना। चाचा जी, चाची की तरफ से मैं आज हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप उनको उनके घर ले जाओ। अरे आ जाओ, अब चलना नहीं क्या तुझको, कहाँ रह गई? हाँ जी बस एक मिनट, मैं अभी आई। चलो जी। हाँ
चांदे ही। अब्बा आना कोई भी, आज तो सब्जी रोटी भी मजे ही बनानी। कोई बात नहीं बच्चा, खुश रहो। जय हो बाबा की जय हो। बाबा जी हमारा भी कुछ कल्याण कर दो। खुश रहो बच्चा, भगवान सबका भला करेगा। भिक्षां देहि। खुश रहो बच्चा, भगवान सबका भला करेगा। भिक्षां देहि। अरे आओ बाबा जी। अरे तुम बैठो, इनका तो रोज का काम है। बेटा हम तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटा साधु को कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम तो प्रभु का गुणगान करते हैं और दूसरों का भला करते हैं। देखे हैं तेरे जैसे भला करने वाले, साधु का भेष बनाकर दुनिया को ठगना काम होता है तुम्हारा। अरे बाबा आप गुस्सा मत हो, ये लो और इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है बेटा। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वे तो बेचारे साधु हैं। अरे तुम बैठो चुपचाप, ठीक है। चलो आरती। अरे भैया आज बड़ी जल्दी आ गए, चलो आप बैठो मैं खाना लेके आती हूँ। ठीक है। भैया आप ऐसे ही रोज टाइम से आ जाया करो, आपको पता है आपके बिना मैं भी खाना नहीं खाती। आरती तुम मेरा इतना ख्याल मत रखे कर, पागल तेरी शादी के बाद मेरा क्या होगा। भैया आप ऐसा मत बोला करो, लो अब खाना खाओ। भैया आरती। भैया ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है, आप अपना ध्यान नहीं रखते ना। मैं ठीक हूँ, आओ अंदर चलते हैं। आरती तुझे खुश तो रखते हैं ना सब, दीपक बड़े भाई साहब और उनकी भाभी। हाँ भैया सब ठीक है। पगली फिर तू रो क्यों रही है, तू अपना मन छोटा मत कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाता हूँ। भैया मेरे जाने के बाद तुम बहुत अकेले हो गए ना। ऐसा कुछ नहीं है पगली, मैं हमेशा तेरे बारे में सोचता रहता हूँ। भैया अब तक आपने मेरे बारे में सोचा है, अब मैं आपके बारे में सोचती हूँ। भैया अब तुम शादी कर लो। अरे पगली सब ठीक हो जाएगा। भैया पहले आप वादा करो। आरती पहले तू वादा कर कि रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने जरूर आएगी। भैया आप कैसी बातें करते हो, ऐसा हो सकता है कि मैं आपको राखी बांधने ना आऊं। भैया
मैं वादा करती हूँ मैं आपको राखी बांधने जरूर आऊंगी। अरे चलना नहीं क्या तुझको, मुझे और भी बहुत काम है अभी। अरे दीपक ऐसे कैसे चले जाओगे, आप बैठो मैं चाय बनाकर लाता हूँ। अच्छा दीपक के बिना मन नहीं लगता। एक मिनट रुको मैं अभी आता हूँ। मुझे और भी बहुत काम है। आरती 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 मेरे साथ मजाक मत कर बहन, कहां पर हो तुम? आरती 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 नमस्ते दीदी। हाँ बस भाभी थोड़ा जल्दी ऐसे आ गए। जी हाँ ठीक करियो भाभी, आप कहो तो मैं सुबह लेकर चले जाऊँ इसको। अरे सुबह क्यों, एक काम कर अभी लेके जाओ उसे। हाँ ठीक है भाभी मैं उसको अभी लेके जाता हूँ। अरे बेटी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ कुछ बता तो सही। दीपक मैं कभी माँ नहीं बन सकती।
बेटा तुम रो मत, हौसला रखो, माँ सब ठीक कर देगी। हाँ भैया। अरे क्या हुआ, कुछ बता नहीं आपने? भैया आरती कभी माँ नहीं बन सकती। बेटा उसके घर देर है, अंधेर नहीं है, माता सबका भला करती है। वहीं रुक जाओ आरती, इस घर के अंदर अपने मनहूस कदम मत रखना। चली जा अपने उस भिखारी भाई के पास। लेकिन भाई साहब मेरा कसूर क्या है? कसूर कुछ नहीं है। एक बांझ के इस घर में रहने से इस घर की सारी खुशियां चली जाएंगी, तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। चाची रो मत, भगवान सब ठीक कर देगा। इधर आ तू, और खबरदार मेरी लड़के को हाथ लगाया तो। करमजली मनोज चली जा यहाँ से। दीदी अब मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी। भाई साहब इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मेरे भाई को पता चलेगा तो वो जीते जी मर जाएगा। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। भाई साहब मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी? भाई साहब भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, मुझ गरीब के साथ ऐसा मत करो। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, और जहां रखोगे ऐसे ही रह लूंगी। अच्छा चल अब नाटक बंद कर और चल खड़े हो अंदर जा। अरे मेरा तौलिया कहाँ है आरती? सुनाई नहीं देता क्या तेरे को? भैली हो गई है, कब से वो बुला रहा है तौलिया के लिए? जाओ तौलिया दे। लो जी तौलिया। लो भाई साहब एक ग्लास पानी ला के दे।
दिए क्या हमें? नमक है इसमें? इस घर में तो कुछ सही बनता ही नहीं है। कभी सब्जी में नमक नहीं होगा तो कभी मिर्च नहीं होगी, और कभी इतना झोंक देती है लड़की, पता नहीं क्या करना चाहती है। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे मेरे कपड़े दे दो, कहाँ हैं? तुझे सुनाई ना देता क्या? मैं कब से कपड़े मांग रहा हूँ। वो मैं भाई साहब को खाना दे रही थी। खाना दे रही थी, कर लो काम, खुद ले लूंगा मैं अपने। किसी काम में मन हो ना, ये तभी तो कुछ करे। अब किसी के घर में आग लगे या किसी के कपड़ों में आग लगे, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या चाह रही है तू? हाँ क्या चाह रही है तू? कम से कम आप तो बिन बात पे मुझसे गुस्सा मत हो। आज राखी का त्योहार है और मुझे अपने भाई की राखी बांधने अपने घर भी जाना है। भाभी आपका हो तो आज हमेशा के लिए मैं इसको इनके घर छोड़ के आऊँ। चल आज मैं तुझे ना हमेशा के लिए छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं रहने दो, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे चल। आज मैं ना तुझे इस घर से हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देता हूँ। चल। बेटी इस घर में तुम्हारा नसीब यहीं तक था। ऊंचे पर्वत पर माता का मंदिर है, तुम वहीं पर चली जाओ। और जिस वजह से ये लोग तुमको धक्के दे रहे हैं वो चीज माता से मांगना। माता तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी, उसके घर देर है अंधेर नहीं है।
अरे प्रेम भाई कैसा है? ठीक हूँ भाई, आप दोस्तों का प्यार जो साथ है। क्या बात भाई, कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं नहीं भाई, अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, राखी बंधवाने जा रहे हो? ठीक है भाई, जाओ। हाँ ठीक है भैया। राम राम जी। राम राम जी। क्या बात है जी, आरती कहाँ है? आरती आरती आरती। क्या बात है जी, आरती कहाँ है? अरे हमें क्या पता, जा रही होगी कहीं रंगरलिया मनाने। विक्रम सिंह विक्रम सिंह। रिश्ते कांच के खिलौने नहीं होते कि जब जी चाहा घर के बाहर फेंक दिया। जिस पेड़ पर फल नहीं आते वो पेड़ काट दिया जाता है। विक्रम सिंह, पेड़ में और इंसान में बहुत फर्क होता है। मैं एक बार और पूछ रहा हूँ विक्रम सिंह, साफ साफ बता दे आरती कहाँ है? अरे हमें क्या पता, भाग गई होगी कहीं किसी के साथ। देखो मैं अपनी बहन के घर आया हूँ, इसलिए सर झुका के बात कर रहा हूँ, वरना वरना क्या कर लेगा तू? वरना सबके सर काट के ले जाता। अरे हमारे सर तो बाद में काटी हो, पहले उसको ढूंढ ले जो तेरे सर में नाक कटवाती फिर रही है। अरे तुम तो एक औरत हो, कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे जा, दफा हो जा यहाँ से, निकाल कहीं का। जा रहा हूँ विक्रम सिंह, भगवान से दुआ करके मेरी बहन को कुछ ना हो, अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम लोग कल का सूरज नहीं देखोगे। आरती। बाबा। हाँ जी। आपने यहाँ किसी लड़की को देखा है? नहीं देखा। अरे एक काम करो बेटा, जल्दी चले जाओ यहाँ से, यहाँ जंगली जानवर खतरा है। बेटा थोड़ा देख कर चलो। बाबा आज तो मैं देख कर ही चल रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ बेटा? बाबा मेरी बहन को। बेटा तुम चिंता मत करो, ऊंचे पर्वत पर माता का मंदिर है, तुम वहाँ चले जाओ, माता सबका भला करती है। ठीक है बाबा। माता सबकी सुनती है, सबकी झोली भरती है। माता सबकी सुनती है, सबकी झोली भरती है। दुखियों के सब दुख हरती है, सबकी बिगड़ी बनती है। माता सबकी सुनती है, सबकी झोली भरती है। माता सबकी सुनती है, सबकी झोली भरती है। पर्वत पे ऊंचे मैया के धाम, एक दुखियारी आई है। ओ, पर्वत
आंखें लेकर साथ है तेरे माता रानी, फिर तुझको क्या डर। दिल में है जो भी मांग ले तू भी, सबने मुरादें पाई है।
कमाला एक बात बताओ। हाँ जी बोलो। आरती जैसी भी थी उसके होते हुए भगवान घर का घर में सब कुछ था, और जब से वो गई है घर के काम धंधे भी सब ठप हो गए। आलोक निरंजन, अरे पापियों, जिस पर तुमने इतना जुल्म किया, जिसको इतने दुख दिए, जिसको इतना सताया, आज माता ने उसकी सारी सुन ली। अगर तुम लोगों में जरा से भी इंसानियत बची है तो हॉस्पिटल में जाओ, वो माँ बनने वाली है, जाओ। मम्मी पापा आप एक बार चाची के पास चलो। वहीं रुक जा विक्रम सिंह, खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दूर हो जा मेरी नजरों से। अब यहाँ क्या लेने आए हो तुम लोग? हम अपनी बेटी को लेने आए हैं भाई साहब। बेटी को लेने आए हो? अरे उस दिन कहाँ गई थी बेटी जब तुम लोगों ने उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया था? और तू क्या कहता था विक्रम सिंह, जिस पेड़ पर फल नहीं लगते वो काट दिए जाते हैं? हमें माफ कर सकते हैं बाबू। अरे तुम्हें तो मैं क्या, भगवान भी माफ नहीं कर सकता विक्रम सिंह। हमें माफ कर दो भाई साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी? अरे माफी मांगनी है तो उससे मांगो जिसको तुमने इतना परेशान किया, इतने दुख दिए। भैया आप इनको कुछ मत बोलो, ये मेरे पति है और मेरे भगवान है और ये दोनों मेरे माता पिता है। हाँ आरती ठीक कह रही है तू, हमने तुझे कभी समझा नहीं, आज के बाद हम तुझे परेशान नहीं करेंगे। हाँ बेटी आरती, और आज से हम सबको यही समझाएंगे कि कभी किसी की बेटी को सताना नहीं चाहिए। अरे पापियों, जिसको तुमने इतना सताया, इतने दुख दिए, वो आज भी तुम्हें अपने माँ बाप की तरह मानती है। बेटा दीपक ये तुम्हें अपने भगवान की तरह मानती है। आरती हम सबको अपनी गलती का एहसास है और तुमने भी हम सबको माफ कर दिया, तो क्यों ना तुम अपने घर चलो। प्रेम बेटा तुम भी इन्हें माफ कर दो। बाबा जब आरती ने ही माफ कर दिया तो मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला। सुख दुख है एक छाओ पल पल ढलती है, तेरा क्या है उसकी मर्जी चलती है। अब तो समझ ले कब तलक ताहिर समझाएगा, रब से बच नहीं पाएगा। सबका भला करना न कभी बुरा करना, सबका भला करना सबका भला।